फाइनली XUV 700 शोरूम्स पर आ गई, और भाई जितनी ये कार अच्छी लग रही थी ना वीडियोस में, उससे कई ज़्यादा प्यारी लग रही है रियल लाइफ में। लाइक इसकी जो DRLs हैं, इंडिकेटर्स हैं, या फिर आप बोलो फ्रंट लुक है, ग्रिल है, न्यू लोगो है महिंद्रा का, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड जो कलर्स वगैरह दिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड उसी के साथ जो कलर यहाँ पे उन्होंने सेलेक्ट करा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के कलर्स यूज़ करे हैं। फॉग लैंप्स बहुत अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पर दिए हैं। लुक्स के साथ साथ इसमें आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप फ्रंट में देख सकते हैं इसको, आपको 360 का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। नाउ चलते हैं इसके इंटीरियर में। भाई इंटीरियर की फील बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। चलिए दिवेश भैया से पूछते हैं उनको कैसी लगी। बहुत ही प्यारा इंटीरियर लग रहा है, कैसा फील आ रहा है भैया? मस्त एकदम। क्या क्या लग रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी उस हिसाब से क्या क्वालिटी है, क्या फील आ रहा है? प्रीमियम फील, प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम। दिल आ गया मेरा, दिल आ गया। तो जैसे भैया ने बोला दिल आ गया, भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा इंटीरियर लग रहा है, लाइक एकदम प्रीमियम क्वालिटी। चाहे आप सेंटर कंसोल की बात करो, ये लग्जरी पैकेज है इसलिए आपको इसमें इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक मिलेगा, बेसिकली जो हैंड ब्रेक होता है, तो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम दिया है। सामने आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, और जो इसका स्काई रूफ है लाइक बहुत ही अच्छे साइज का, लाइक जैसे बिगेस्ट इन द सेगमेंट या फिर लार्जेस्ट इन द सेगमेंट आप इसे बोल सकते हो। एंड इवन जब ये खुलता है या फिर बंद होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का लगेगा देखने में, जिस तरीके से इसके फंक्शन वगैरह दिए गए हैं। एंड जो इसका इंटीरियर है वो पूरा का पूरा आपको वाइट टच में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हेडरूम की। हेडरूम और नी रूम भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है। लाइक इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस अगर आपको कोई कार मिलने वाली है तो वो मिलेगी आपको XUV 700। सेकंड रो में आपको इसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। साइड में जो स्पेस है वो भी अच्छा खासा है, क्वालिटी भी काफी अच्छी यूज करी हुई है। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो भाई सामने से लेके सेंटर कंसोल से भी अगर आप आएंगे या अगर आप पीछे तक आएंगे तो ओवरऑल जितना भी एलिमेंट यूज करें वो सारे प्रीमियम लग रहे देखने में, काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड जो फ्रंट इंटीरियर है वो तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो यहाँ पे उन्होंने कंबाइन दिया हुआ है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये इसकी थर्ड रो पर बैठ के तो भाई अभी मैं इसकी थर्ड रो पे बैठा हूँ, मुझे पता कैसा लग रहा हूँ मैं इसमें, पर जो है मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। हाँ थोड़ी सी अगर मैंने देखो इसकी बात करें तो ये थोड़े से नी रूम थोड़ा सा कम है, थाई सपोर्ट तो खैर बिल्कुल ख़त्म ही है, बस चौड़ी बढ़िया, पर हाँ ये मैं बैठ सकता हूँ। पीछे सीट नीचे होती है नहीं मुझे नहीं पता, थोड़ा कंजेस्टेड सा है। हाइट कैसा है? देख मेरी सर बट बिल्कुल टच नहीं हो रहा है ना, का बिल्कुल सही है। नी रूम बस ठीक है, मतलब बच्चों के लिए है ना बेसिकली। हाँ वैसे भी यार सात एडल्ट कहाँ ही जाते हैं। इसका जो एंगल है ना सीट का वो सीधा है, थोड़ा पीछे को नहीं हो रही, अगर ये थोड़ा पीछे को जाए तो बात होती है, रिक्लाइनर होगी, मतलब लगता पीछे से होती होगी फिर सर कंफर्टेबल हो जाएगी। लेट्स सी, अब हो रही है लेकिन फिर स्पेस कम हो जाएगा ना, स्पेस कम हो जाएगा सामान रखने का। हाँ स्पेस कम हो जाएगा जैसे पीछे है ना, लेकिन हम इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, यहाँ से हमें बटन दिया गया है। तो भाई थर्ड रो में जैसे आपने देखा स्पेस तो है, बट अगर आप वहाँ पे सीट को रिक्लाइन करते हैं खुद कंफर्टेबल बैठने के लिए तो आपको जो लगेज स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बेसिकली बूट स्पेस। बट यस अगर आप 6 लोग जा रहे हैं तो भी आपको इसमें बेस्ट इन द सेगमेंट स्पेस मिल जाएगी, एंड ओवरऑल आप रिक्लाइन करके बहुत इजिली अनकंफर्टेबली बैठ सकते हो। साथ ही साथ बात करें इसके रेयर लुक की, तो भाई रेयर से भी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, एज आप लोग देख सकते हैं। चाहे हम बात करें इसके टेल लाइट की, इंडिकेटर्स की, सब बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो इसका नया महिंद्रा का लोगो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ बैजिंग की तो यहाँ पे आपको XUV 700 की बैजिंग देखने को मिलेगी विद AX7 L मीन्स लग्जरी पैक। बम्पर आपको सिल्वर कलर का देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके बूट स्पेस की, अगर आप 5 लोग इसमें जा रहे हैं तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा बूट स्पेस मिलने वाली है, लाइक अगर आप 7 भी जाते तो मैं कहूंगा बेस्ट इन द सेगमेंट है। तो ये था क्विक वॉक अराउंड रिव्यू XUV 700 का। जल्दी आपके लिए मैं डिटेल रिव्यू और साथ ही साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस वो सारी चीजें लेके आने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको कोई भी XUV 700 से रिलेटेड क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।